उसकी एक ये स्लाइड ये है, हर कार्ड के ऊपर हमारा क्यूआर कोड है जिसमें बेनिफिशियरीज की डिटेल है। अपने खसूसी ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी और चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें। उनका कहना है कि कम आमदन वाले तबके को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ईओबीआई और यूटिलिटी स्टोर्स के दरमियान सहूलत कार्ड के माहदे की तकरीब इस वक्त मुनाकिद की जा रही है, जिसमें मुआविन खसूसी ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी और चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर मीडिया टॉक कर रहे हैं। सहूलत कार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये एक लेआउट है जिसमें आपको इस पिक्चर से थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका क्या प्रोसीजर, क्या क्या स्लाइड्स हैं जो कि नज़र आएंगी आपके टेलीफोन पे। नॉर्मल टेलीफोन पे भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके एंड्रॉयड और आईफोन ही हो, क्योंकि गरीब आदमी के पास वो नॉर्मल फ़ोन है तो मेक श्योर करेंगे कि सिस्टम उस पर भी चल सके। इसके अलावा इसके ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम्स हैं जो इंटरनली हम देख सकेंगे कि किसको क्या बेनिफिट दिया जा रहा है, किसको क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिशियरी सेल्फ रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इसकी डिटेल आगे जाके और बताई जा सके कि मीडिया में, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। यूटिलिटी स्टोर आईटी पे ऑलरेडी पिछले एक साल से काम कर रही है। हमारा क्लाउड सेंटर है, हमारा अपना डाटाबेस सेंटर बनाया है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। ईआरपी अंडर डिप्लॉयमेंट है, हमारा ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट आईटी डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी शुरू हो गई है, जो कि आप मुख्तलिफ जगहों पे जाके देख सकते हैं। इस वक्त जो ये स्टेटस ऑफ करंट यूएससी आईटी डिप्लॉयमेंट, इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं, ये डिटेल बाद में दी जा सकती है, हमारे आईटी जीएम साहब इसके बारे में बता सकेंगे। इसके अलावा जो पीएम रिलीफ की और प्रोडक्ट्स है बता सके। तो मैं चाहूँगा कि अपना शकील साहब आप इसको काइंडली ज़रा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि लोगों को एक इस मीडिया के तवस्सुस से इंफॉर्मेशन पहुँच सके। इससे पहले हमारा आईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बड़ा एक वीक इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन पिछले एक साल में हमने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। अभी हमने जो डाटा सेंटर हमारा जो बना है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट डाटा सेंटर है, वो उसमें उसकी कैपेसिटी है वो एटलीस्ट कम से कम अगले 10 सालों के लिए भी हमारे यूट्यूब स्टोर्स की नीड्स को जो है कैटर कर सकेगा। इसके ऊपर हम अपना ईआरपी सिस्टम डिप्लॉय कर चुके हैं। ईआरपी सिस्टम डिप्लॉय करके हम उस तरफ देखें, ईआरपी सिस्टम जो है हम अपना मुआविन खसूसी जुल्फी बुखारी और चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और ईओबीआई और यूटिलिटी स्टोर्स के दरमियान सहूलत कार्ड माहदे की ये तकरीब है, जिसके हवाले से लिहाज से आप सोच सकते हैं कि 8,500 तक हमने पेंशन इंक्रीज़ की है और साथ में ये भी सहूलत दे दी 800,000 रुपये की। तो आप कह सकते हैं कि एक महीने में उसको एक लिहाज से 9,500 रुपये मिल रहे हैं। ये जो खान साहब, जो पीएम साहब की जो एक विज़न है मदीना की रियासत की, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सारे इदारों में ख़ास तौर पे ईयूबीआई में लेके आएँ। हमारा एक विज़न है कि इस हुकूमत की इस पहली टर्म में हम इसको 15,000 रुपये तक अपनी पेंशन ले कर जाएँ। और ये जो यूटिलिटी स्टोर का साथ जो हमने ये सहूलत कार्ड बनाया है, ये कुछ 80 लाख लोगों को फ़ायदा देता है तकरीबन। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, ये जो 10% डिस्काउंट उनको मिलता है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको 10% से भी ज़्यादा मिले। इन प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं घी भी है, आटा भी है, चावल भी है, चीनी भी है, दाल भी है। तो सारी ऐसी चीज़ें जो आप हर रोज़ खाते हैं और आपको ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है ये। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है, जैसे अभी आपको समझाया भी गया कि एक सीमलेस स्टेप है। इसमें अगर आपके पास वो कार्ड गुम भी गया और सहूलत कार्ड आपने अपने आईडी कार्ड से भी इसमें लेके आ सकते हैं। तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये एक मैं चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर, चेयरमैन यूबीआई ख़ास तौर पे मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इसको इस मुश्किल वक्त में हमारे आवाम को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ों से मिलता है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि इन्हें ये कोरोना की वजह से, जैसे कि चेयरमैन साहब कह रहे थे, रुका हुआ था, लेकिन अब इसको लॉन्च कर दिया और ये फ़ौरन हर बंदे के पास होगा, ये कार्ड आएंगे। और मैं अर्ज करता हूँ, दरख्वास्त देता हूँ कि सब प्लीज़ आएँ
और ये कार्ड का फ़ायदा उठाएँ। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं और मुझे पूरी उम्मीद है यूटिलिटी स्टोर से कि इनकी सहूलतें इस कार्ड से बढ़ती रहेंगी, कम नहीं होंगी, बढ़ती रहेंगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप प्लीज़ इसको अपने साथ रखें और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो विज़न है उसको मुकम्मल करने की भी मदद करें। इसमें मैं सबका फिर से चेयरमैन साहब आपका ख़ास तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू जी। कवर कर रहा है तो एटलीस्ट काफ़ी लोगों को पता चलेगा। और फिर ऑनलाइन हमारे जो 55-56 नंबर है जहाँ पे वो मैसेज भेज के उसे सारी इन्फॉर्मेशन उसके मोबाइल पे आ जाएगी। तो ऐसा कुछ आप करेंगे कि नादरा के थ्रू अगर आप रजिस्टर, नादरा वेरीफाई करेगा जैसे टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं आपके पास जितने रजिस्टर। मैंने बताया हमारा जो ये सिस्टम है 55-56 नंबर पर आप डायल करेंगे वहाँ पर एक कोड आ जाएगा। उस कोड के तहत शकील अगर आप प्लीज़ इस पर एक्सप्लेन कर दें। ठीक, आप वेरीफाई करने के लिए रजिस्टर्ड करने के लिए जी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने लोगों तक मैसेज जिस तरह आपने नवील मैं बताता हूँ, इसमें इतनी कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि जो हमारे जो पेंशनर्स हैं वो हमेशा UBI के साथ कनेक्टेड रहते हैं। जब इनकी पेंशन कम हुई थी मुझे पता था कि जब क्या अजाब आया हुआ था बेचारों पर, तो वो बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं, उनको पता होता है, वो फॉलो करते हैं, अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, फेसबुक को फॉलो करते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं, मिनिस्ट्री की करते हैं, मेरी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनमें होती हैं और SMS सर्विस भी है। तो उसमें कोई मैं नहीं समझता कोई डिले आएगा, बल्कि ऑलरेडी लोग तैयार हैं। इसमें थोड़ा सा आपको बता दूँ, हमारी जो बैंक अल्पला से पेंशनर्स की सर्विस है वो SMS सर्विस है, उनको जो है बिल्कुल इससे भी हम उनको आगाह करेंगे कि ये सर्विस होगी। और उसके बाद UBI इंशाल्लाह प्रिंट मीडिया में भी जाके इसकी कैंपेन पूरी चलाएगा ताकि अवेयरनेस कैंपेन हम चलाएं और उनको पता चले कि जो UBI इंश्योर्ड पर्सन हैं और खासतौर पर पेंशनर्स की ये फैसिलिटी उनके लिए बनती है। सर, पांच बुनियादी जो चीज़ें हैं जिसमें आटा, चीनी, चावल हैं, दालें हैं, इनकी कीमतें मार्केट में बढ़ रही हैं। चीनी की कीमत अब 90 रुपए पर पहुँच चुकी है, आप 68 पे दे रहे हैं, तो आपको भी तो बढ़ानी पड़ेगी, कब तक 68 पे देंगे? तो ये तो देखिए, PM की इंस्ट्रक्शंस थी कि जी प्राइस ना बढ़ाई जाए। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास मैसेज आया, पंजाब गवर्नमेंट ने आटा 860 रुपए की प्राइस फिक्स रखी है, ओपन मार्केट 950 है, हमारी 800 है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, बल्कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाती है, इतनी कम होने की वजह से आटे की शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है जी, इस वक्त पंजाब में हम ये चीज़ फेस कर रहे हैं। अब 860 करना या प्राइस बढ़ाना, हम PM की परमिशन के बगैर नहीं बढ़ा सकते, हम उन्हें डायरेक्टली पूछना पड़ता है। तो PM साहब ने मना किया कि जी अभी प्राइस आपको नहीं बढ़ानी चाहिए, तो वी हैव टू ऑनर दैट। इस सिस्टम जो स्लोली जो डिप्लॉय कर रहे हैं इसमें ये कंट्रोल्स बिल्ड कर रहे हैं ताकि सही बेनिफिशियरीज को चीज़ पहुँचे। इट नॉट दैट सिंपल, ठीक है, अभी भी हो रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत शिकायतें आती हैं, क्योंकि कई जगह पे हमारा अपना स्टाफ भी इन्वॉल्व होता है, या मैं ये नहीं कहूँगा कि जी हम बहुत नेको पाक हैं, ऐसी है सिचुएशन, लेकिन ग्रेजुअली हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तो एग्रीमेंट साइन हो गया, इंशाल्लाह 1 अगस्त से इसको लॉन्च किया जाएगा। पहले सॉफ्ट लॉन्च होगी, पायलट करेंगे, कुछ 4,000 लोगों को जो है वो कार्ड प्रिंट करके दिया जाएगा, उसके बाद फिर सिस्टम को स्टेबल किया जाएगा 1-2 महीने के अंदर, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हर चीज़ जो है सीमलेसली यानी कार्ड प्रिंट होते रहेंगे और जो जो डेटा वेरीफाई होता रहेगा उस तरह से उनको जो है कार्ड मिलते हैं। थैंक यू। उसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी और चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें। उनका कहना है कि कम आमदन वाले तबके को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। EOBI और यूटिलिटी स्टोर्स के दरमियान सहूलत कार्ड के माहदे की तकरीब इस वक्त मुनक़द की जा रही है, जिसमें मुआविन खसूसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी और चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर मीडिया टॉक कर रहे हैं। मिलेगा बेनिफिशियरी सेल्फ रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इसकी डिटेल आगे जाके और बताई जा सके कि मीडिया में, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। यूटिलिटी स्टोर IT पे ऑलरेडी पिछले 1 साल से काम कर रही है, हमारा क्लाउड सेंटर है, हमारा अपना डाटाबेस सेंटर बनाया है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। ERP अंडर डिप्लॉयमेंट है, हमारा ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट IT डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी शुरू हो गई है, जो कि आप मुख्तलिफ जगहों पर जाके देख सकते हैं। इस वक्त जो ये स्टेटस
ऑफ करंट यूएससी आईटी डिप्लॉयमेंट, इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं, ये डिटेल बाद में दी जा सकती है, हमारे आईटी जीएम साहब इसके बारे में बता सकेंगे, इसके अलावा जो पीएम रिलीफ की और प्रोडक्ट्स हैं बता सके। तो मैं चाहूँगा कि अपना शकील साहब आप इसको काइंडली ज़रा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि लोगों को एक इस मीडिया के तवस्सुस से इंफॉर्मेशन पहुँच सके। सबसे पहले तो सर मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे पहले हमारा आईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बड़ा एक वीक इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन पिछले एक साल में हमने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। अभी हमने जो डाटा सेंटर हमारा जो बना है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट डाटा सेंटर है, वो उसमें उसकी कैपेसिटी है वो एटलीस्ट कम से कम अगले 10 सालों के लिए भी हमारे यूट्यूब स्टोर्स की नीड्स को जो है कैटर कर सकेगा। इसके ऊपर हम अपना ईआरपी सिस्टम डिप्लाई कर चुके हैं, ईआरपी सिस्टम डिप्लाई करके हम उस तरफ देखे ईआरपी सिस्टम जो है हम अपना जो वो डिप्लाई कर चुके हैं। आप उसकी मुआवने खसूसी जुल्फी बुखारी और चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ईओबीआई और यूटिलिटी स्टोर्स के दरमियान सहूलत कार्ड मुआहदे की ये तकरीब है, जिसके हवाले से